हेलो एंड वेलकम गाइस, मेरा नाम तस्कीर है और इस वीडियो में मैं देखने वाला हूँ मुल्तान सुल्तान वर्सेस लाहौर कलंदर का मैच था और उसके अंदर फाइनल में मुल्तान सुल्तान पहुँच गई है, क्वालिफाई कर लिया है। क्रिक कॉमेडी 154 का एपिसोड देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। दोस्तों प्लेऑफ का पहला मैच हो चुका है और उसके अंदर बहुत ही वन साइडेड हुआ है। जब भी मैं मैच देख रहा हूँ मेरे ख्याल में बहुत ही वन साइडेड हो रहे हैं। ठीक है, मुझे कांटे का मुकाबला होगा क्योंकि टॉप की दो टीम्स आपस में खेल रही थी, लेकिन सीन कुछ इस तरह होगा कि लाहौर ने अपनी पुरानी जो उनकी फॉर्म थी उस पर वापस आ चुके हैं, जिसके अंदर को मैं हमें 70-75 रन के ऊपर वो आउट हो चुके हैं बिल्कुल राइट टाइम के ऊपर। लाहौर अपनी पुरानी फॉर्म खो चुके हैं। मैच जब शुरू हुआ तो ऐसा लग रहा था कि जो मुल्तान वाले हैं वो बहुत ही बुरा खेल रहे हैं, बिल्कुल ओडीआई वाली इनिंग्स खेल रहे हैं। रिजवान और वो जो उनका नया लड़का है, मैं नाम बोल रहा हूँ सलमान या जो भी, वो उस्मान खान जो है, 37 बॉलों के ऊपर 100 मारी थी पिछले दिनों के अंदर। तो लग ऐसे ही रहा था कि यार ये तो बहुत ही बुरा खेल रहे हैं, ओडीआई वाली इनिंग्स खेल रहे हैं और लोग लान शुरू हो गए थे। लेकिन उसके बाद जब लाहौर वाले बैटिंग के लिए आए तो पता चला तो पिच बहुत ही मुश्किल है। इनफैक्ट लाहौर जो है वो असल में गेम हारा है बॉलिंग के अंदर, ना कि बैटिंग के अंदर। बैटिंग के अंदर भी खैर बहुत बॉलिंग ही सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस दी है, लेकिन असली जो कहीं गेम हारे हैं तो वो हारे हैं बॉलिंग के अंदर। खैर तीसरी बार मुसलसल मुल्तान की टीम जो है वो चली गई फाइनल में और इसके अंदर भी मेरे ख्याल में तीनों दफा रिजवान जो था वो ही कप्तान था, तो बड़ी बेहतरीन किस्म की कप्तानी भी नजर आ रही है। एक तरफ रिजवान की कप्तानी, दूसरी तरफ शाहीन की कप्तानी, हर जगह जो है वो बाबर के लिए मुश्किल नजर आ रही है। खैर तीन दफा लगातार जो है वो फाइनल खेलना बहुत ही बड़ी बात होती है, तीन दफा लगातार बोलने से तो तलाक हो जाती है। लेकिन जरूर रिजवान जो है ना ये कोई दो नंबरी कर रहा है, जरूर इसने कोई काला जादू वगैरह किया हुआ है, पिच के अंदर कोई तावीज़ या इस किस्म की चीज़ें इसने दबाई हुई हैं, क्योंकि ऐसी परफॉर्मेंस हर दफ़ा हर पीएसएल के अंदर ये नॉर्मल तो नहीं है। फिर कोई मुझे ये भी बता रहा था कि ये लाहौर की टीम जो है वो जानबूझ के ये मैच हारी ताकि फाइनल में वो दोबारा से मुल्तान के मद मुकाबिल हो जाए। पिछले अभी जब वो जीते थे पीएसएल का टूर्नामेंट तो उसके अंदर भी वो मुल्तान से ही खेल रहे थे। अभी तक मुझे ये लग रहा था कि लाहौर की टीम फाइनल में भी जाएगी और जीत भी जाएगी सबसे बेस्ट, लेकिन इस परफॉर्मेंस के बाद मुझे कुछ ज़्यादा समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इनका जो वो वीक पॉइंट है ना वो लोगों ने पकड़ लिया, वो ये है कि लाहौर को पहले बैटिंग की बजाय पहले बॉलिंग पे आमादा किया जाए और उसके बाद फिर इनको दे दिया जाए कि आप तुम आके चेस करो। लाहौर से और कोहली से दोनों से चेस नहीं होता। बकवास जोक है, बहुत ही पुराना जोक है, 2017 का जोक है। कोहली ने उसके बाद ऐसे ऐसे चेस मारे हैं कि हमारे मुंह के ऊपर लगे, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता फखर के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहे होते हैं। फखर जब भी चेस कर रहे होते तो कोई जीप किस्म की, पहली इनिंग्स में जब उनको एक दो चांसेस मिल रहे थे उसके बाद वो बड़ी इनिंग्स खेल लेते हैं, लेकिन वो चांसेस भी नहीं लेते और फिर उसके बाद आउट हो जाते हैं जल्दी। खैर आज तो बॉय को जो बॉल पड़ गई थी वो बहुत ही बेहतरीन बॉल थी, अब उसके ऊपर बंदा क्या करे, जो अनबरेडी ने बॉलिंग कराई है इसके ऊपर तो आउट बनता है। ऐसी बॉलों के ऊपर बैट्समैन को अपनी विकेट दे देनी चाहिए क्योंकि बॉलर्स के लिए कुछ तो होना चाहिए। खैर मैच के अंदर बहुत फड्डे भी हुए हैं यार, वो मेरे ख्याल में फखर का भी फड्डा हुआ रूसों के साथ, जिसके अंदर उन्होंने कहीं वो बॉल शॉर मारी थी, रिजवान ने मारी थी तो उनके कंधे के ऊपर लग के निकल गई थी और ये रन के लिए भागे। वैसे आपस की बात है, बहुत ही घटिया हरकत की है फखर भाई, आपने इसी किस्म की हरकतें की है इसीलिए तो आप मैच हार गए। ये नीयतों की गेम होती है, अगर आपने बुरी नीयत इस तरह अपनी दिखा दी है तो फिर आप मैच तो हारेंगे। एहसान उल्लाह ने भी फंडे किए मैं हमें रूफी के साथ, क्योंकि रूफी ने जो है उनको छक्का छक्का मार दिया था तो बहुत गुस्से में आ गए थे। रूफी वैसे उसने बॉलिंग तो बड़ी अच्छी कराई है, लेकिन जो भी हो बाद में मैच के बाद उन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ गले मिलकर इस दोस्ती को रिश्तेदारी में भी बदलने का फैसला कर लिया था। और फड्डा शाहीन का भी हुआ था, जिसके अंदर उन्होंने मेरे ख्याल में पोलार्ड के साथ जो है तू तरह मामहेड की गालियां थी और एक्सचेंज होनी थी, तो वो मेरे ख्याल में इसलिए हो रही थी क्योंकि पोलार्ड ने शाहीन को मेरे ख्याल में दो छक्के पेल दिए थे, तीन छक्के खेले थे एक ही ओवर के अंदर और वो भी जो है मिजोरी हुई है। ये शाहीन जो है इससे मेरे ख्याल में सिर्फ शुरू के ओवर जो है वही करवाने चाहिए, उनके अंदर ये बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहा होता है। आखिरी जो ओवर है उसके अंदर ही दो या तीन छक्के तो नॉर्मल खा रहा होता है मेरा दोस्त शाहीन। मेरा दोस्त जो है ना वो या तो छक्के खाता नहीं है या फिर खाता है तो तीन चार एक साथ खाता है। शाहीन बहुत गुस्से में था, उसको बहुत ज्यादा अपनी बेइज्जती भी महसूस हुई, तो उसने कहा क्या मैं तुम लोगों को बताता हूँ, बैटिंग में जो है ना वो अपनी प्रमोशन करके ऊपर आया, सिकंदर वगैरह जो पीछे बैठे उसको देख रहे थे और ये जा रहा है बैटिंग करके, बताया कि किस तरह छक्के मारते हैं। उसने खूब जोर का छक्का मारा, बस थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया कि सर्कल की लाइन कौन सी और बाउंड्री की लाइन कौन सी है, तो सर्कल इसने पार कर लिया था। फुल टॉस के ऊपर बॉय जो है वो जीरो रन बना के किया। खैर एक तो पाकिस्तान में हर किसी ने शायद अफरीदी बनना होता है, अब इनको भी मेरे ख्याल में शौक बन गया कि ये ऑलराउंडर भी बनेंगे, तो ये हरकतें इनको नहीं करनी चाहिए मेरे ख्याल में। बॉलिंग पे कॉन्सेंट्रेट करें जो अच्छी भी कर रहे हैं ये और उसकी वजह से इनकी टीम में जगह भी है, तो ये हरकतें ना करो दोस्त। खैर 19th ओवर में शाहीन ने जितनी कुट खाई थी उसी का बदला रूफी ने लिया था 20th ओवर के ऊपर। दो आउट उसने किए, दोनों को ही 155 किलोमीटर पर आर की स्पीड के ऊपर बॉल मार रहा है बॉय जो है वो तेज गति से बॉलिंग करा रहा है और विकेटें जो है वो गंभीरियां खाती हुई पीछे जा रही थी। ये तो इस भाई ने आखिरी ओवर अच्छा करा दिया, नहीं तो कंफर्म उनका स्कोर 180 से ऊपर ही जा रहा था और फिर तो लाहौर से चेज 160 भी नहीं हुआ।
हुआ। खैर शाहीन अफरीदी बाद में कह रहे थे कि कुदरत का निजाम है, जब उनके पास बॉलिंग आई तो हवा चलना शुरू हो गई और बॉल हिलना जुलना शुरू हो गई। तो यार ये वैसे हर जगह पर कुदरत का निजाम होता है, तुम्हारी दफ़ा भी हवाएं चलती हैं, कभी कभी जो है वो बैट्समैन की आंख के अंदर कोई बाल छाल चला जाता है, इस किस्म के कुदरत के निजाम ही हो जाते हैं। खैर जब आपकी भी बॉल स्विंग हो रही है तो तब भी कहा करें कि ये मेरा कोई कमाल नहीं है, ये कुदरत का ही निज़ाम है जिसकी वजह से बॉल जो है आज स्विंग हो गई है, मैं दूसरी तरह बॉलिंग कर रहा था। लेकिन होता है इसी तरह होता है, जब अपने में बुरा वक्त आता है तो तभी हम इस किस्म के बहाने ढूंढते हैं, अदरवाइज सब हमने खुद अचीव किया होता है। खैर सबसे बड़ी जो शॉकिंग खबर थी वो इस मैच की वो कुछ इस तरह की थी कि मैं मेरा ख्याल में कोई 2-1 मिनट के लिए बैतुलखला की ब्रेक के ऊपर गया था और जब वापस आया तो देखा कि यार वो 40 के ऊपर 3 आउट छोड़ के मैं गया था और लाहौर की इनिंग चली थी, जब मैं वापस आया तो 50 के ऊपर मेरे खाने को 8 आउट हो गए थे। तो मुझे तो समझ ही नहीं कि ये किस तरह हो गया, 2 मिनट के अंदर इतना हालात बदल। तो समझ नहीं आ रहा कि साइमन डूअल नाम की जो एक हैवानियत हमारे पीएसएल में बैठी हुई है, ये इसलिए बैठी हुई कर क्या रहा है इसको, यार कोई ठंडी रोटियां मिल रही हैं क्या, चक्कर है कि इसका हर वक्त इतना मूड ऑफ होता है। पहले इसने मेरे बाबर के ऊपर भी वो कोई 170 की स्ट्राइक रेट के ऊपर जा रहा था, उसे सेंचुरी की थी, 240 रन भी बना दिए थे टीम ने, अब उनको क्या पता था कि 240 भी चेज हो जाएंगे, 240 तो कोई भी बंदा खुश होता है यार ये कहाँ चेज होने लगा। लेकिन उसके ऊपर लगा हुआ था कि बाबर ने बड़ी सेल्फिश इनिंग्स खेली है, उसके बाद आज फिर जो है वो रिजवान के ऊपर ये लगे हुए थे, भाई पूरी इनिंग्स तो देख लो ना कम से कम, दूसरी इनिंग्स के अंदर आके फिर ये चुप होकर बैठ गए थे, इनको पता चला कि तो विकेट ही बड़ी मुश्किल थी क्योंकि रिजवान वगैरह जब वो कर रहे थे उनको पता था कि यार विकेट मुश्किल आ रही है, तो उन्होंने बस पावर प्ले के अंदर नॉर्मली खेला और उसके बाद उनको ये था कि नॉर्मल बैटिंग करते हुए एंड में अगर लग गए तो लग गए, वरना ये विकेट जो है वो 150 वाली रन भी बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी 150 रन की भी। बट इस साइमन डूअल जो है यार इनको मेरा ख्याल में जरूर कोई इनके या तो इनको कमरा छोटा मिला हुआ है पीसी के अंदर या फिर इनको ठंडी डबल रोटी मिल रही है, कुछ जो चक्कर है क्योंकि बहुत ज्यादा गुस्से में अजीब अजीब सबके नहीं मिल रहा। वो पिछले दिनों ये भी मुझे पता चला कि हमारे जो लेजेंडरी क्रिकेटर हैं मोहम्मद हफीज, उनके घर में चोरी भी हो गई थी, तो शर्म नहीं आती यार कोई चोरी करने चले गए उनके घर के अंदर। और ये मुझे किसी ने पिक्चर भेजी है जिसके उन्होंने बताया कि ये उनके जो चोर थे वो पकड़े गए, ये जो बंदा है ना ये उनका हेलमेट भी चोरी करके आ गया था। खैर चोरी भी कोई 5,690 करोड़ हुए उनके घर में, तो यार इतना कैश क्यों रखते हैं आप हफीज भाई अपने घर में? मुझे पूरा शक है जो घर के जो मुलाजिम होते हैं ना उनके ऊपर मुझे शक है, ये जो आपके जो किचन में काम करता है ना बंदा उसे पूछ लें वो शक्ल से बड़ा शरीफ लगता है, लेकिन ये 2-4 लीटर इसको लगेंगे पुलिस के तो ये सब कुछ सच उगल देगा। दूसरे हुसैन तलत नामी भी है, ये एक शख्स हैं जिन्होंने बैटिंग बॉलिंग तो छोड़े इन्होंने खूबसूरत रनिंग का भी रिकॉर्ड कायम किया। जो रन आउट यहाँ पर हुए हैं वो इसलिए हुए हैं क्योंकि इनको जब लगा कि वहां से थ्रो आ रही है तो कहीं बॉल मुझे ना लग जाए, इसलिए उन्होंने ब्रेक ही लगा दी और वो आगे की तरफ गए ही नहीं, मतलब बॉल से डरने के चक्कर में ये रन आउट हो गए। बहुत आला रनिंग मेरे दोस्त, मतलब मौत से और बॉल से डरना तो बाकी जायज है। वैसे ये वीडियो भी सामने आई जिसके अंदर ये पता चला है कि लाहौर क्यों हारा है, आप लोग खुद देख लीजिए। बर्बाद हुआ ये मस्त हुए पड़े हैं भाई, ये बिलिंग भी जो है ना ये इसी किस्म के गाने शाने इसको सुटे छुटे इन्होंने लगवा दिए और ये अब जो है टून बैठे हैं, बर्बाद हुए बैठे हैं ये सब। वैसे अब मेरे ख्याल में टाइम आ चुका है कि थोड़ा सीरियस हो जाएं क्योंकि अब हारने का कोई चांस है नहीं और मुझे अब नहीं लग रहा कि ये अगले मैच में जितना इनके ऊपर प्रेशर होगा ना मुझे नहीं लग रहा कि ये फाइनल में जा रहे हैं। खैर मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई, अगर ऐसा है तो लाइक के बटन को छू लें और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो नीचे सब्सक्राइब का बटन जो मैंने दिया हुआ है उसको भी छू सकते हैं और CBA आर्मी का हिस्सा बन सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मैं बहुत शॉकिंग था कि बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई, पोलार्ड से शाहीन लड़ पड़े और बहुत सारी चीज़ें अटपटी सी हुई यार, जो नहीं होती थी रेगुलर गेम्स में वो नहीं हुई। जैसे कि शाहीन आ गए ऊपर, अपना जो नंबर होता है बैटिंग का उसको छोड़कर ऊपर आ गए, शाहीन को अच्छी बैटिंग करते हुए देखा मैंने, ऐसा नहीं है कि वो एक बॉलर ही है सिर्फ तो उस तरीके से बैटिंग कर रहा हो, तो वो चीज़ देखने के लिए या फिर उसको और इम्प्रूव करने के लिए बैटिंग करने ऊपर आ गए थे, लेकिन फेल हो गए, वहाँ पर आउट हो गए। हारिस रऊफ ने बहुत तगड़ी तेज़ बॉलें कराई उन्होंने, वो रन्स बचाए। रिजवान की कप्तानी अच्छी चल रही है, बहुत ज़बरदस्त कप्तानी के साथ उन्होंने ये मैच भी जीत लिया उन्होंने। लाहौर का लग ही नहीं रहा था भाई, मैं तो सोच ही नहीं पा रहा था कि यार लाहौर इतने कम स्कोर पर निबट जाएगा और हार जाएगा, जब 3-4 विकेट उनके गिरे जा रहे थे मेरा मूड ही ख़राब हो गया था कि कम से कम लड़े तो यार, भले ही 2-4, 5, 10 रन से हारे लेकिन वहाँ तक तो पहुँचे, इतना गंदा कैसे हार सकती है। तो भैया ये क्रिकेट है, क्रिकेट में होता रहता है ऐसा, लेकिन हाँ रिजवान की तरफ से अच्छी कप्तानी हुई है, अच्छी बॉलिंग हुई है और बहुत कुछ मज़ेदार देखने को मिला है, लोगों की लड़ाइयाँ देखने को मिली कल के मैच में। आगे देखना होगा कि क्या होता है इंटरेस्टिंग आगे के मैचेस में। फिलहाल हम एंड करते हैं इस वीडियो को, क्या कहते हो कल के मैच के बारे में? एंटरटेनमेंट से भरपूर था लेकिन परफॉर्मेंस में फुस हो गया लाहौर की तरफ से। एंड करता हूँ मैं वीडियो को, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।